नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन लगवाई है। पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का डोज लगवाया है। देश में 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। ऐसे में पीएम मोदी ने सोमवार सुबह वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन को लेकर देश में कई प्रकार की बयानबाजी सामने आई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर विराम लगा दिया है। यहां तक कि विपक्ष की ओर से भी पीएम मोदी को वैक्सीन लगवाने की चुनौती दे दी गई थी। सबसे खास बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जो वैक्सीन लगवाई है वो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है। दिल्ली के एम्स में पीएम मोदी ने कोवैक्सीन का डोज लिया है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने डेवलप किया है। इस वक्त बड़ी और यह अहम खबर है, 1 मार्च से यानी कि आज से अब आम लोगों को कोरोना वैक्सीन आसानी से उपलब्ध हो पाएगी। उसके लिए ऐप के जरिए पंजीकरण करना पड़ेगा, जिसके चलते अब प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन की जो डोज है वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। और इस वक्त की यह अहम और बड़ी खबर है, आज सुबह सुबह दिल्ली के एम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन की डोज लिया है और अब 28 दिन बाद उनको दूसरी डोज दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया अब तक पहुंचा रहा है।